इलेक्शन आ रही है तो विरोध पक्ष के लिए और कुछ कहने की नहीं है, नहीं तो नई नई बातें बनाते बोलते रहते हैं। मैं यहाँ आया हूँ तो भी उनके पता चलेगा तो कुछ ना कुछ बात जोड़ देंगे। महंगाई की नहीं, सिर्फ डीजल पेट्रोल की पॉलिसी तो यूपीए की सरकार के समय से तय की गई थी और उसके आधार पर हम सब परेशान हैं। अभी एक आदमी मिला था, उसने डीजल पेट्रोल के बारे में बताया तो वहाँ पर एक भाई खड़े थे साथ में, उन्होंने कहा आप लोगों ने तो बैलगाड़ी की निकाल के उसका विरोध किया था पेट्रोल डीजल के लिए, और अभी आप बैलगाड़ी लेके निकले, क्या निकले, स्कूटर लेके निकला, उनके स्कूटर लेके निकले, महंगाई नहीं आपको इसमें परेशान नहीं कर। देखिए देखिए, पेट्रोल डीजल के लिए क्रूड ऑयल का हम आयात करते हैं तो उनके साथ जो टर्म कंडीशन होती है एक नेशनल की दूसरे नेशन के साथ, तो उसको कैसे फुलफिल किया जाए, उसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं, ये सोचने की बात है। वो तो वो लोग सोचते होंगे, कोई कमी नहीं पाई। देखिए वो कड़ी मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं, यहाँ पर लोग उनके पीछे कादव कीचड़ उछारते हैं, लेकिन विश्व में उन्होंने एक चैंपियन ऑफ अर्थ का अवार्ड भी दिया है, वही इसका मान पान और गुजरात के प्रति हिंदुस्तान के प्रति लोगों का क्या राय है। भारत सरकार को कुछ भी संदेशा मैंने दूंगा, लेकिन हमारे यहाँ पर किसानी है बारिश के आधार पर है, और बारिश कभी कम रहती है तो मुश्किलें थोड़ी होती है, उसके लिए लोगों को भी थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है कि पानी के एक एक बूंद को बचाना चाहिए और वही पानी से अपनी किसानी करने में उपयोग किया जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए। सरकार तो अपने तौर पर जो कुछ भी करना होती है करती रहती है। महंगाई के बारे में पेट्रोल डीजल के लिए चलता है, बाकी की महंगाई तो आप पिछले 6 साल से पहले के जो भावताल है तुवल दाल का समझो कि चने का, तो वो मुक्का देखो, ये इन भावों के साथ कंपेयर करोगे सब में है नहीं शिकायत, वो अपने लिए समय नहीं निकालते, हमारे लिए भी समय नहीं निकालते, देश ही फर्स्ट देश है, बस देश के लिए दौड़ो भागे करो। प्रश्नों के साथ मुझे जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रसंग मैं बताऊँ आपको, मैं 2014 के इलेक्शन में हरियाणा गया था, वहाँ पर एक माजी मेरे पास आए, बोले कि मेरी एक पोती है जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, लास्ट ईयर वो यहाँ आई थी, और ये दफ़े मैंने कहा कि बेटी तू आओ, तो बोले कि मैं नहीं आऊँगी। क्यों नहीं आएगी? कि आपके वहाँ संडास नहीं है, टॉयलेट नहीं है, इसलिए मैं नहीं आऊँगी। तो ये बात जो थी, आज उसमें बदलाव आया है, पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छता के प्रति लोगों की रुचि बदल गई है, हम खुद देख रहे हैं, आप भी देखते होंगे, स्वच्छता के प्रति लोगों का अभियान, लोगों की रुचि बदली, ये पूरा किस्सा कोर्ट में चलता है, तो कोर्ट जो कहेगी वैसा होगा, सभी लोग सपने देखते हैं और सपनों को साकार करने का हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। सपने देखना गुना नहीं है, हम भी देखते हैं, हम छोटे होते हैं शादी होते भी सोचते हैं कि बच्चा होगा, ये बच्चे को ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और उसके लिए मेहनत करते हैं, तो उनको ये देश की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसके आधार पर देश की क्या क्या त्रुटियाँ हैं, देश में क्या क्या करने की आवश्यकता है, ये सब वो सोचते रहते हैं और उसको कार्यान्वित करने के लिए। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, एक अच्छे दिन नहीं आए, सबका ये मानना है कि नहीं आए अभी तक, आने वाले हैं क्या? मुफ्त में देंगे तो अच्छे दिन आएंगे, मुफ्त का मिलेगा तो अच्छे दिन, मेहनत करने के लिए जगह मिले, मेहनत करो कमाओ, पढ़ाई के लिए शिक्षा के स्थान बने हैं, यूनिवर्सिटी बनी है, मेडिकल कॉलेज बने हैं, बच्चों के लिए एडमिशन का प्रॉब्लम जो पहले था, माँ बाप उसके जिम्मेदार है, मैं ऐसा मानता हूँ, माँ बाप को अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए कि बड़े होने के बाद ये कोई गड़बड़ ना करे। बेटी बाहर जाती है तो पूछते हैं कि बेटी क्यों देर हुई, कहाँ गई थी, क्यों इतनी देर हो गई, अंधेरा हो गया, क्यों जल्दी वापस नहीं आई? लड़का जाता है रात भर घूमता है, मैं कुछ घंटे रहा हूँ, इससे मैं क्या कहूँगा, फिर भी पुणे संस्कारी नगरी है और एजुकेशनल हब है, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे पुणे में पढ़ने के लिए आते हैं।